हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बेटा, हमने लास्ट टाइम प्लस टू अकाउंटेंसी के जो चैप्टर नंबर 5th है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। अभी मैं आपके सामने पार्ट नंबर 2 लेकर आया हूँ और इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल की। गुडविल की ट्रीटमेंट हम करेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट की जाती है। ठीक है, तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, हम सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल की। गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सो लेट्स अभी स्टार्ट करते हैं। हम करते हैं बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो बेटा, मैं पिछले चैप्टर में भी आपको बता चुका था कि गुडविल अगर बैलेंस शीट में मेंशन होती है, उसका मतलब क्या होता है कि गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन है, तो ये समझ लेना गुडविल हमारी ऑलरेडी अपीयर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और वो हमेशा पार्टनर्स में बढ़ती है और ओल्ड रेशो में बढ़ती है। ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेटा, गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो हम क्या एंट्री करते हैं। एंट्री देख लीजिए, एंट्रीज पे फोकस करना। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या फिर डिसीज्ड पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये बेटा बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, ये एंट्री रिटायरमेंट के टाइम हमेशा जो भी गुडविल की ट्रीटमेंट होगी वो कैसे होगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। और बेटा कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी इसको और ध्यान से देख लो, ऑलवेज गेनिंग रेशो में। मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता चुका था भाई, गेनिंग रेशो बेटा कैसे निकालते हैं हम, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अभी ओल्ड रेशो आपको ऑलवेज क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो बेटा ओल्ड रेशो ही क्या मान लिया जाएगा, गेनिंग रेशो। जैसे पिछले लास्ट चैप्टर में एडमिशन के टाइम में पढ़ा था, अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर हमें न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो हम क्या मान लेते थे कि हमारा ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो कहलाता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर है कि अगर आपके पास न्यू रेशो गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो हमारा गेनिंग रेशो कहलाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं गुडविल की, गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं रिटायरमेंट के समय, किसी पार्टनर की डेथ के समय, तो क्या एंट्री करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और रिटायरिंग या फिर डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर मर चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेके चले बेटा हम कि हमारे पास मान लीजिए ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 है, ठीक है। मान लीजिए सी या तो रिटायर हो गया, फॉर एग्जाम्पल या तो सी रिटायर हो गया या फिर इसकी डेथ होगी, हो सकता है वो बी भी हो सकता है, हो सकता है वो ए भी हो सकता है। तो हमने मान लिया सी रिटायर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब सी रिटायर हो गया तो अभी ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, 3:2, ठीक है। अब वो कह रहा है गुडविल किस तरीके से एंट्री करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंटिन्यू में बेटा आप कौन कौन है, फर्म के अंदर कंटिन्यू कौन कर रहे हैं, ए और बी करेंगे, तो ये कर देंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर कौन हो रहा है बेटा, सी, सी रिटायर हो रहा है तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट। तो चलिए इसको एक हम क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं बेटा कि किस तरीके से इसको थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व कर किया जाएगा। चलिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास तीन पार्टनर हैं बेटा, पी क्यू एंड आर, मेरे पास तीन पार्टनर हैं पी क्यू एंड आर, तीनों का बेटा प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा इक्वल है, ठीक है। अगर मान लीजिए आर रिटायर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आर हमारा रिटायर हो गया, आर रिटायर हो गया, और जिस दिन आर रिटायर हुआ था, जिस दिन आर रिटायर हुआ था उस दिन बेटा फर्म की जो गुडविल थी, फर्म की गुडविल है वो है बेटा 3,60,000। ये बात समझ में आ गई बेटा,
जिस दिन आर रिटायर हुआ है उस दिन फर्म की जो गुडविल की वैल्यू है वो है 360,000। अब आर रिटायर होने के बाद बचे कौन? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में पी और क्यू बचे। पी और क्यू ने डिसाइड किया कि हमारा जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो बेटा 3:2 होगा। इन्होंने ये डिसाइड किया है। तो बेटा ये क्या हो गया? ये तो न्यू रेशो हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा? ओल्ड रेशो। तो यहाँ से आप इजीली गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशो निकाल लीजिए पहले आप। गेनिंग रेशो कैसे निकालते बेटा? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो गेनिंग, भाई आर तो रिटायर हो गया, आर का हिस्सा कौन गेन करेगा? पी और क्यू। तो पी और क्यू का गेनिंग रेशो निकलेगा, ठीक है। पी का बेटा ओल्ड रेशो कितना, सॉरी न्यू रेशो कितना बेटा? पी का 3, अब रेशो 2 है तो 3/5, और क्यू का 2/5, ठीक है। माइनस ओल्ड रेशो बेटा पी का कितना है? 1/3, और क्यू का भी 1/3, ठीक है। हम निकाल लेंगे इसका एलसीएम लेके, 15 एंड देन 15, 9-5 दैट इज इक्वल टू 4/15, और यहाँ क्या कर लेंगे? 6-5 इक्वल टू 1/15। तो बेटा रेशो कितना आ जाएगा हमारा? गेनिंग रेशो कितना आ गया? 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी हमें इसकी एंट्री करनी है। एंट्री कैसे करेंगे बेटा? मैंने आपको पहले ही बताया था एंट्री करने का तरीका हमारे पास क्या है। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अभी चलिए यहाँ देखिए, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कॉन्टिन्यू बेटा हमारी एंट्री क्या होती है? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स या डिसीज पार्टनर। कॉन्टिन्यू में देखो कौन कौन है हमारे पास? पी है और क्यू है, पी और क्यू है हमारे पास। तो कॉन्टिन्यू में यहाँ पर लिख देंगे पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है बेटा? टू रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायर कौन हो रहा है? उस टू आर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहला करना क्या है? जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा, सबसे पहले उसका हिस्सा निकालो। रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में हिस्सा कितना बनता है? उसी का तो हिस्सा इन पी और क्यू में बटेगा। तो रिटायरिंग पार्टनर आर का कितना हिस्सा है देखिए बेटा? इन तीनों का 1:1:1 था पुराना, तो इसका कितना? 1/3 हो गया आर का। तो गुडविल कितने की थी? 3,60,000। 3,60,000 का 1/3, तो बेटा कितना आ जाएगा ये आर का हिस्सा? 1,20,000। अब 1,20,000 को गेनिंग रेशो में बांटना है 4:1 में। तो यानी कि 1,20,000 इंटू 4/5, देन 1,20,000 इंटू 1/5, दोनों का निकालोगे 4:1 में, तो इसका आ जाएगा बेटा 96,000 और 24,000। तो ये बेटा आपको अच्छे समझ में आ गया हमने क्या करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स, हमें ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, हमने गेनिंग रेशो निकाले, 4:1 हमारा गेनिंग रेशो आ गया है। फिर हमने इसकी एंट्री कर दी है। एंट्री कर दी हमने कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है। कॉन्टिन्यू कौन कर रहे हैं? प्योर क्यू कर रहे हैं। उसके बाद आर रिटायर हो रहा है, आर को क्रेडिट कर दिया। अभी सबसे पहले हमें आर का हिस्सा निकाल लेना है। जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका गुडविल में पहले हिस्सा निकाल लेंगे, फिर उसको हम गेनिंग रेशो में 4:1 में बांट देंगे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हमने एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है हमारे पास, ठीक है बेटा, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स है हमारे पास। अब तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मान लीजिए 2:3:4 है, ठीक है। अभी हमारे पास मान लीजिए जेड रिटायर हो गया, कितना क्या हो गया? जेड रिटायर हो गया और कह रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट, आपको क्वेश्चन में ये दे देगा फॉर एग्जांपल गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना,
उसने ये कहा है कि जो गुडविल निकालनी है हमें 1.5 यानी कि 1.5 डेढ़ साल के बेस पे निकालनी है हमें, और कौन से मेथड से? एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। बेटा मैंने आपको निकालना सिखाया था एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं, थर्ड चैप्टर मैंने आपको बताया था, हमने मेथड पढ़े थे गुडविल की वैल्यूएशन के, ठीक है। आपको पिछले 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, सेकंड का दे रखा है और थर्ड ईयर का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट मेंशन है बेटा आपको, वो है मान लीजिए 50,000, देन 55,000, देन 75,000, ये आपका क्वेश्चन है। और जो आपको नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ₹45,000। तो सबसे पहले बेटा हमें गुडविल, अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है उसमें गुडविल निकाल के दी हुई है, अभी हमें इस क्वेश्चन में गुडविल निकालनी है। गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा? सबसे पहले आपका काम क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकालो, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट इन तीनों का टोटल कर लीजिए बेटा, तीनों का टोटल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा ये भाई, कितना आ जाएगा 1,80,000। बट टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 1,80,000 बेटा, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1, 2, 3, तो 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 60,000। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अभी जो एवरेज सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हमें बेटा, हमने देखा था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है बेटा, हमें हमारा जो निकला है बेटा कितना निकला है 60,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट हमें मेंशन है क्वेश्चन में 45,000, तो बेटा ये कितना आ गया हमारे पास 15,000 सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है। अभी वो कह रहा है गुडविल कितने साल के बेस पे निकालें, गुडविल बेटा कैसे निकालते हैं हम, गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अभी सुपर प्रॉफिट कितना आया बेटा हमारे पास, 15,000 आया हमारे पास, तो 15,000 को यहां लिख लेंगे इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। बेटा कितने साल के बेस पे निकालनी है हमें, 1.5, डेढ़ साल के बेस पे निकालनी है, तो बेटा 1 into, यानी कि हम क्या कर लेंगे 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 2 2 1 2 and 3 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी बेटा 22,500 की हमारे पास क्या आ गई बेटा, ये गुडविल आ गई। अब हमें एंट्री क्या करनी है, एंट्री करते हैं अब हम एंट्री। एक जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है रिटायरमेंट के समय, गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं बेटा हम, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स, क्या करते हैं हम, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। अब कॉन्टिन्यू में बेटा कौन कौन है, देखिए एक्स और वाई तो है, जेड तो बेटा रिटायर हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले मैंने बताया था किसका हिस्सा निकालेंगे बेटा हम, जेड का हिस्सा निकालेंगे, रिटायरिंग पार्टनर का सबसे पहले हिस्सा निकालते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकाल लीजिए, तो रिटायर ओनर जेड का शेयर निकालिए। गुडविल कितने की आई है बेटा, 22,500 की गुडविल आई है पूरे फर्म की, अभी हमने गुडविल निकाली है ना ये 22,500 की, इस 22,500 की में उसका हिस्सा निकाल लीजिए, 22,500 में उसका हिस्सा निकाल लीजिए। उसका हिस्सा कितना है बेटा, जेड का हिस्सा कितना है, एक्स का 2 है, वाई का 3 है, जेड का 4, तो कितना हो गया 4/9 इंटू 4/9। तो बेटा इसको काटोगे तो आपकी जेड का हिस्सा कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इस 10,000 को हमें गेनिंग रेशियो में बांटना होता है, 10,000 को बेटा गेनिंग रेशियो में बांटना हमें। अब गेनिंग रेशियो के लिए बेटा आपको ओल्ड रेशियो तो मेंशन है 2, 3, 4, लेकिन न्यू रेशियो आपको मेंशन नहीं है यहां पर। जब आप गेनिंग रेशियो में कैसे निकालते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
आपको ओल्ड रेशो तो मेंशन है लेकिन न्यू रेशो मेंशन नहीं है, तो गेनिंग रेशो तो आप निकाल नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में ओल्ड रेशो क्या निकल जाए, मान लिया जाएगा गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो हमारे पास कितना बचा, कितना है बेटा, एक्स और वाई का 2:3, क्योंकि एक्स वाई में तो बांटेंगे हम ये, तो 2:3 में इसको बांट देना आप, ये जाएगा बेटा 4000 and 6000, ये आपका आंसर होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लीजिए ठीक है। चलिए बेटा अभी एक नेक्स्ट कंसेप्ट मैं और लेकर चलता हूँ आपके सामने। मैंने आपको बताया था जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो हम क्या एंट्री करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। देखो आपके सामने अब ये ऑलरेडी अपीयर का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर बैलेंस शीट में बेटा सॉरी बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड अगर गुडविल मेंशन है गुडविल मेंशन है तो समझ लेना गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर। इसका मतलब क्या होता है, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर। इस गुडविल को सभी पार्टनर्स में, चाहे फिर वो इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर्स और डिसीज पार्टनर, ठीक है, सभी पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में इसको बांट दिया जाता है। जबकि अगर एडमिशन के टाइम, अगर एडमिशन के चैप्टर में ये गुडविल यहाँ दी हुई है तो फिर वहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल होती है। रिटायरमेंट के समय अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो ओल्ड पार्टनर्स होती है। देखिए एडमिशन के टाइम तो क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट ओल्ड, लेकिन रिटायरमेंट के समय अगर कोई गुडविल बैलेंस शीट में मेंशन है तो फिर बेटा क्या कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल बटेगी ओल्ड रेशो में, ये ध्यान रखना ठीक है बेटा। तो बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ए बी सी और डी, बेटा चार पार्टनर्स है, चारों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो हमें मेंशन है। मेंशन किस तरीके से मेंशन कर रखा है इसने वो मैं बता देता हूँ आपको, कि इसने कहा है कि ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 3 है और डी का 2 है। यहाँ पर बेटा डी रिटायर हो रहा है, इतना ध्यान रखना, डी इज़ अ रिटायरिंग पार्टनर। जिस दिन बेटा डी रिटायर हुआ था उस दिन जो फर्म की गुडविल है वो 2,00,000 रुपये है, ठीक है। डी के रिटायर होने के बाद ए बी और सी ने डिसाइड किया कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:3 है, यानी कि हमारे पास न्यू रेशो गिवन हो गया। तो ओल्ड रेशो हमारे पास है, न्यू रेशो हमारे पास है, तो गेनिंग रेशो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं पास द नेसेसरी एंट्री, हमें एंट्री करनी है। चलिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि सैक्रिफाइस गेन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइस और गेन। तो गेनिंग रेशो बेटा कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब गेनिंग रेशो किस किस का निकलेगा, ए बी और सी का, ठीक है, ए बी और सी का निकलेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने ए, यहाँ लिख दिया बी, यहाँ लिख दिया सी, क्योंकि डी तो बेटा रिटायर हो गया, ये बात समझ में आ गई होगी, डी तो रिटायरिंग पार्टनर्स है। चलिए तो न्यू रेशो कितना है बेटा, 4+3+3 यानी कि 4/10 न्यू रेशो, इसका 3/10 और इसका भी 3/10 माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो ए का कितना बेटा, 1+4 5+3 8+2 10 यानी कि ए का कितना है 1/10, बी का कितना है 4/10, सी का कितना है 3/10, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए गेनिंग रेशो इनका निकाल लेते हैं, ये कितना 10, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 10 और ये भी 10, ये बात क्लियर है। चलिए भाई 4-1 दैट मीन्स 3/10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई, 3-4 माइनस का 1/10 और ये तो क्या हो गया 3-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और डी, ये तो डी का तो छोड़ो, अभी यहाँ पर एक चीज़ देखो बेटा, डी तो वैसे कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन सबको,
डी कितना सेक्रीफाइस सा कर रहा है, 2/10 डी तो कर ही रहा है सेक्रीफाइस, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर देगा ए बी और सी को। अब यहाँ पर देखिए ए क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, बी क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। देखिए एडमिशन के टाइम माइनस का आता है, एडमिशन के टाइम जब माइनस का आता था भाई, पहले हम करते थे पहले 3 लेयर था 4 लेयर, तो गेन एडमिशन के टाइम बेटा ये क्या करता था, माइनस वाला गेन करता था, लेकिन रिटायरमेंट के समय माइनस वाला सेक्रीफाइस। अब कैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, चलिए बी का जो न्यू रेशियो था, नया हिस्सा था, नया हिस्सा कितना मिल रहा 3, जबकि इसको पुराना ओल्ड रेशो पुराना कितना था इसका, इसको 4 मिलता था लेकिन अब 3 मिल रहा है, तो एक हिस्सा इसने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ऐसे ए का जो न्यू रेशो, न्यू इसको कितना हिस्सा मिलना है 4, जबकि पुराना कितना था इसका 1, तो इसको तो फालतू मिल रहा है तो ये गेन कर रहा है तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि एडमिशन के टाइम अगर माइनस का आता है, ये वैल्यू माइनस की आती है तो गेन करता है, लेकिन रिटायरमेंट के समय माइनस की आती है तो बेटा सेक्रीफाइस करता है। चलिए अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, डी का शेयर निकाल देंगे, गुडविल में डी का शेयर निकाल देंगे, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में हिस्सा निकालते हैं, यहाँ निकाल देंगे डी शेयर ऑफ गुडविल। बेटा फर्म की गुडविल कितनी है, 2 लाख रुपए, 2 लाख में बेटा उसका हिस्सा निकाल लेंगे पहले हम, कितना है उसका हिस्सा डी का, 2/10 है, ये बात समझ में आ गई होगी, डी क्योंकि रिटायर कौन हो रहा है, डी, डी का कितना है बेटा 2/10, तो 2/10 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 40,000। चलिए अब हम इसकी एंट्री करते हैं, एंट्री किस तरीके से इसकी की जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको एंट्री, इसकी एंट्री कर लेते हैं एक बार, कि हम एंट्री बेटा क्या करते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, यही एंट्री करते हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब देखिए बेटा कॉन्टिन्यू में कौन कौन है, गेन वाला ऑलवेज डेबिट होता है, गेन वाला मैंने पिछले एडमिशन के टाइम में बताया था, गेन वाला ऑलवेज डेबिट होता है, तो यहाँ तो गेन ओनली ए कर रहे हैं, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम क्या करते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं कॉन्टिन्यूइंग टू रिटायरिंग में, लेकिन यहाँ तो बेटा बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और रिटायरिंग पार्टनर का तो हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, हम ये तो करते ही करते टू डीज कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा, लेकिन यहाँ पर ए बी और सी डेबिट करते हैं, क्यों, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो कॉन्टिन्यू में तो ए और बी सी है, तीनों डेबिट है, तीनों ही कॉन्टिन्यू है, लेकिन सी तो कुछ ना तो हिस्सा सेक्रीफाइस करे ना गेन करे, इसको तो लेंगे ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई, लेकिन बी जो हो रहा है बेटा वो सेक्रीफाइस करे, सेक्रीफाइस वाला ऑलवेज क्रेडिट होता है एंट्री में, टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब इन क्वेश्चंस को सोल्व इस सिचुएशन में करना क्या, डी का तो बेटा जो 40,000 का हिस्सा आया था अभी, 2 लाख का 2/10 कर रहा था हमने, 40,000 आया था, डी का तो हम 40,000 दिखाई देंगे, अब बी और ए का कैसे निकालना है वो चलिए उसको मैं बता देता हूँ आपको करना कैसे है। हम जब एक व्यक्ति सेक्रीफाइस करो एक व्यक्ति गेन करो इस सिचुएशन में, तो गुडविल की जितनी पूरी अमाउंट थी 2 लाख थी, 2 लाख का 2 लाख में से उसका ए का कितना हिस्सा आया, 3/10, ए का कितना है भाई, फिर ऐसे कर देंगे 2 लाख का 3/10 कितना आ जाएगा बेटा, ए का आ गया 60,000, बी का कर देंगे, बी का कितना है बेटा 1/10, तो इसका कितना आ जाएगा 20,000। ये बात समझ में आ गई, आपकी डेबिट और क्रेडिट दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी, इट मीन समझ लेना आपकी एंट्री आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ में आ गई अच्छे से, क्लियर है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, सेक्रीफाइस गेन जब निकालते हो, अगर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में से कोई पार्टनर अगर एक सेक्रीफाइस कर रहा हो एक गेन कर रहा हो, देखो रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलवेज क्रेडिट ही होगा, उसका हिस्सा निकाल के तो डायरेक्ट दिखाई देना यहाँ पर, जब एक गेन, गेन वाला ऑलवेज डेबिट होगा और सेक्रीफाइस वाला ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो अब क्या करेंगे इनका हिस्सा कैसे निकालेंगे, इसका हिस्सा इस 40,000 का मत 3/10 और 1/10 कर देना, इस 40,000 का 3/10 1/10 मत कर देना, जब एक व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है एक व्यक्ति गेन करता है, तो जो पूरी गुडविल की वैल्यू का हम 3/10 1/10 कर देंगे, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बेटा आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे,
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ फिर हम आपके सामने मिलेंगे। तब तक बेटा इन वीडियोस को जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, समझिए, देखिए। अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम एक अच्छे पार्ट के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।